चालीसा श्री साईं बाबा जी की। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नमाऊं, मैं कैसे शिरडी साईं आए, सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है, ये ना किसी ने भी जाना। कहां जन्म साईं ने धरा, प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कही तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु, कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शेडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वही बस गया, पावन शेडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता भिक्षा मांग कर उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जग का लख हाल, अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा ना मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुन्य विनय बहुत की उसने चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, सांच को आज नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास, साईं जैसा प्रभु मिला है इतना ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा मिलती नहीं मुझे रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता मनमुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साई का था, जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साई जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देख मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साई की सूरति। जब से किए है दर्शन हमने दुख सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साई की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया है इस जीवन में, इसका ही संभाल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साई की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कणकण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त शिरडी में ही रहता था, मैं साईं का साईं मेरा यह दुनिया से कहता था।
होकर स्वयं वस्त्र बेचता गांव नगरी बाजारों में, जंगित उसकी हृदय तंत्र थी साई के झंकारों में। तंभन निशा थी थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सोचता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाथ से काशी, विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता था एकाकी। खेर राम में खड़े हो गए उसे कटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों में मरमाहत हो उसे दी संज्ञा रखो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वही उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा यही उसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साई, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुभत हो उठा मानस उसका बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजों जो भी आई उन्हें लगने पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए संशक्ति सभी वहां लख तांडे वृत नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त बड़ा संकट में, शुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बेचने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं, उसी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंतः स्थल है। इतने में ही विवत ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्तों को गाड़ी वहां एक आई, सन्मुख अपने देख भक्तों को साई की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतः स्थल आज ना जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मुंह स्वयं थी बना हुआ उपचारी, और बाबा के लिए आज था देवपना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसी ही के दर्शन की खातिर उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहां भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह नहीं कोई नई कहानी, अपत्य ग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साई, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बना दिन दुना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम करवाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साई ने, सबको संतुलन प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो पल भर में वह दूर टरे। साई जैसा दाता हमने अरे नहीं कोई देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हो गई। तन में साई मन में साई, साई साई भजा करो, अपने तन के शुद्धि बुद्धि खोकर सुधी उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुधी तज बाबा की सुधी किया करेगा, और रात दिन बाबा ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो, सुधी तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। जंगल जंगल भटक न पागल, और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में पहर आठ हो साई का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साई का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अखड़े। इस पूरे की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरम आया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण, कहने लगा सुना श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख की मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र विदेदन
हर नर से हर नारी से लो खरीद तुम इसको। इसकी सेवन विधिया है न्यारी, यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह, गुण उसके हैं अति भारी। जो है संतानहीन यह यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त, अरे वह मुंह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो ना खरीदे, जीवन भर पछताएगा, मुझ ऐसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिनों का मेला है, मौत शौक तुम भी कर लो, अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी पड़ती जनता की, लक इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी तन भी मन था, लक लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, स्वतर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कोई नीच ऐसा हो साहस करता है छलने को, पलभर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महाग्रत में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी कूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सर पर गुस्सा आया साई को। पलभर में सब खेल बनकर भागा सिर पर रखकर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी, मिल ना सकेगा जग में कोई, अंश ईश का साईं बाबा, उन्हें ना कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन तन का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विगत, जब जब जग में भर पाप का बड़बड़ ही जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतार ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस शक्ति का हर ही दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। ऐसे ही अवतारी साई मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी साई ने, ताप ताप संताप मिटाया, जो कुछ आया साई ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साई, पहर आठ ही नाम राम को भजते रहते थे साई। रूखी रूखी ताजी बासी चाहे हो चाहे पकवान, सौदा प्यार के भूखे साई की खाते थे सभी सम्मान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन को कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उच्च भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदिन मन में नीरक प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मन मन हिल डुल करके, बिहार विराने मन में भी स्नेह सलील भर जाते थे। ऐसे समुद्र बेला में भी दुख आपात विपता के मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्यों अद्वित शिक उस विभूति में होती थी, जो धारणा करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साई के पाए, धन्य कमल पर उनके जिसने चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साई मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से याद है खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको, कर रूठते साई मुझ पर। इति श्री साई 40 समाप्त।